नमस्कार, हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि गुड़गांव से पीड़ित महिला को धमकाने का जो मामला था, उसमें आईपीएस भारती अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर के जो आदेश है वो जारी हुए हैं। गुड़गांव कोर्ट ने एफआईआर के जो आदेश हैं वो जारी किए हैं, जाँच के आदेश भी दिए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। भारती अरोड़ा पर आरएसओ को पुलिस की वर्दी पहनाकर पीड़ित के घर भेजने का ये आरोप है, काफी संगीन ये आरोप है। भारती अरोड़ा पर पीड़ित महिला को धमकाने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा पीड़ित महिला के शिकायत पर कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं, जिससे कि जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि भारती अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आमने सामने साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं पीड़िता और भारती अरोड़ा, और अब जो कोर्ट है उसने पीड़िता का पक्ष जानने के बाद ये माना है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो है, इसलिए अब जांच के आदेश दिए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो कोर्ट ने एफआईआर के आदेश जो जारी किए हैं, इसके बाद पूरी तरह से जांच होगी। और ये भी जो है मामला यहां पर गंभीर ज्यादा हो जाता है कि आखिरकार एक आरएसएस को पुलिस की वर्दी पहनाकर पीड़िता के घर क्यों भेजा गया, ये बड़ा सवाल। गुलशन ग्रोवर फोनलाइन पर मौजूद है गुरुग्राम से ज्यादा जानकारी के लिए। गुलशन, ये पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताएं। इसके अलावा जो ये सवाल उठ रहा है कि आरएसओ को पुलिस की वर्दी पहनकर जो है कहा गया कि वो पीड़िता के घर जाए, इसमें कितनी सच्चाई लगती है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल, गुड़गांव में पुलिस कमिश्नर जो है, इससे पहले नवपुर पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क और आईपीएस भारती अरोड़ा, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर गुड़गांव में थी, उस समय एक पीड़ित महिला का आरोप था कि भारती अरोड़ा जो है उनके केस को लेकर के धमकाती रहती है। जो कि पीड़ित महिला थी, उसने एक अपने ही पति पर आरोप लगाया था मार पीटने का। तो उसमें जो है नवदीप सिंह विर्क, जो कि उस समय के पुलिस कमिश्नर थे और ज्वाइंट कमिश्नर आईपीएस भारती अरोड़ा थी, उनके बीच में आपसी विवाद भी हुआ था इसी केस को लेकर के। और उस समय ये मामला काफी सुर्खियों में भी उठा था कि दोनों आईपीएस के बीच एक विवाद चल रहा है, जिसको लेकर के काफी सरकार भी उस समय सख्ती में आ गई थी। भारती अरोड़ा पर आरोप था कि उसने आरएसओ को पुलिस की वर्दी में पीड़िता के घर भेजा था और उसे धमकाया था कि इस केस को वापस ले लो। तो इस पर जो है उस समय के जो पुलिस कमिश्नर थे वो नवदीप सिंह विर्क थे, और उन्होंने इस मामले में फिर हस्तक्षेप किया था। उस बारे में फिर भारती अरोड़ा पर इस तरह का आरोप लगा था कि उन्होंने इस मामले में आरोपी को बचाने की कोशिश की है। तो उसमें पीड़ित महिला गुड़गांव जिला अदालत में पहुंची थी भारती अरोड़ा के खिलाफ, और अब जो है जिला अदालत ने भारती अरोड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि हम जो ज्वाइंट कमिश्नर रही भारती अरोड़ा पर संगीन आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक आरोपी को बचाने की कोशिश की। गुलशन, दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि आखिरकार इतनी मेहरबान क्यों थी जो भारतीय अरोड़ा है, और दूसरा सवाल ये कि आरएसओ का आखिरकार काम क्या होता है? दर्शकों को ये भी बताएं कि उनको पुलिस की वर्दी पहनाकर इस तरह से भेजा जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला जो है एक आपस में दो आईपीएस की लड़ाई का भी विवाद ये बन चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय अरोड़ा उस समय जब ज्वाइंट कमिश्नर थी तो उनका पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क से 36 का आंकड़ा था। तो कहीं ना कहीं उनका आपसी विवाद भी था, और जो आरोपी है वो भी एक बड़े घराने से था और वो भी अधिकारी का बेटा था जी। तो कहीं ना कहीं उन पर ये आरोप लग रहे थे कि उनको बचाने की कोशिश कर रही है भारती अरोड़ा। और जो इसमें पीड़िता थी वो सूत्रों के हवाले से पता लगा था कि वो नवदीप सिंह विर्क के काफी नजदीकी थी, तो इसलिए नवदीप सिंह विर्क उनका साथ दे रहे थे। तो ऐसे में उन दोनों जो आईपीएस की लड़ाई के अंदर ये दोनों जो पीड़िता और साथ में जो आरोपी था उनकी लड़ाई के अंदर ये दोनों आईपीएस जो है आपस में उलझ गए थे, और ये काफी टूल भी पकड़ा था उसमें। उस समय ज्वाइंट कमिश्नर जो भारतीय अरोड़ा थी उनका तबादला भी जो है सरकार की तरफ से कर दिया गया था, क्योंकि उन पर आरोप लगा था कि जो भारतीय अरोड़ा है वो इस पूरे केस में मीडिया के सामने जो है मुखातिब हो गए थे और मीडिया के सामने इस पूरी आपबीती को उन्होंने बता दिया था। तो सरकार ने इसे आपसी अधिकारियों की वार्तालाप के चलते उन्होंने कहा था कि आप इस पूरे केस में मीडिया के सामने क्यों पेश हुए, तो इस पर उनका तबादला भी हो गया था और काफी ये मामला तूल भी पकड़ा था। फिर उसके बाद नवदीप सिंह जो पुलिस कमिश्नर थे उनका भी तबादला गुड़गांव से कर दिया गया था कुछ महीने बाद। लेकिन अब इस मामले में काफी जिस तरीके से तूल पकड़ा है, अब खुद गुड़गांव जिला अदालत ने भारती अरोड़ा के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं,
तो ऐसे में फिर मामला से ये मामला तूल पकड़ रहा है। तो अब इसमें आखिरकार जिला अदालत क्या फैसला करती है, पुलिस की कार्रवाई, आरएसओ कौन हो सकता है और किस तरह से जांच जो है आगे बढ़ेगी इस मामले में? देखिए बिल्कुल, अभी गुड़गांव जिला अदालत ने गुड़गांव पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर जो है ज्वाइंट कमिश्नर जो भारतीय अरोड़ा थी उनको गुड़गांव पुलिस बुलाएगी और उसके बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिरकार मामला क्या है और अब सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है, क्योंकि एक आईपीएस के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो होने के आदेश दे दिए हैं, उसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप रहेगा और इस मामले में क्या कुछ होगा, ये अभी कुछ दिनों बाद ही साफ हो जाएगा। चलिए शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी के लिए। तो इस मामले में भारतीय अरोड़ा आईपीएस है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि जो ये मामला है काफ़ी पुराना है, लेकिन उस दौरान जिस तरह से मीडिया के सामने वो आ गई थी तो उसके बाद उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया, ये भी सुर्खियों में काफ़ी रहा था, लेकिन अब जाकर जो उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद जाँच आगे बढ़ेगी, उनसे पूछताछ होगी और ये भी देखना होगा कि ये जो आरएसओ है ये आखिर कौन था जो आईपीएस भारतीय अरोड़ा के कहने पर पीड़िता के घर गया था।